हाय गाइज, माय नेम इज कशिका एंड वेलकम टू माय फर्स्ट एवर एट होम काइंड ऑफ व्लॉग। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि व्लॉग बनाओ डे इन योर लाइफ, व्हाट यू ईट इन योर लाइफ, मतलब जो भी आप डेली खाते पीते हो। बट आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि घर में रह के आप क्या बनाओगे, सुबह उठो, चाय पियो, देन झाड़ू पोछा करो, फिर दो तीन काम करो एंड दैट्स इट। लेकिन आज थोड़ा बहुत दिखाने को था, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट व्लॉग द होल डे, नॉट द होल डे टेक्निकली, काइंड ऑफ मेजर ग्लिम्सेस, बिकॉज फिर तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, बिग बॉस का एक एपिसोड बन जाएगा पूरा। सो आज मैं दो तीन मेजर काम करने वाली हूँ। नंबर वन, मुझे ये जो अलमीरा रीपेंट हुई है इसके अंदर मुझे सारा सामान भरना है, जो पहले ठूसा हुआ था उसको मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में रखना है। सेकेंड, इफ यू आर फॉलोइंग मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम देन यू नो मैं अपना जो यूट्यूब का सेटअप है वो इसी सेक्शन में करती हूँ। मैं पूरा लगाऊंगी अभी कैसे मैं करती हूँ, सो वो मैं दिखा दूंगी, बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो पूछते हैं कि आप अपना यूट्यूब का सेटअप कैसे करते हो। तो मैं बिल्कुल भी इंटीरियर्स में अच्छी नहीं हूँ। इससे पहले मैंने मेजर अपनी जितनी वीडियो बनाई है 2.5 साल के अंदर, आई गेस हमेशा वॉल होती थी एंड मैं उसके आगे बैठ जाती थी। लेकिन क्वारंटीन के टाइम क्या हुआ, इतने ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग कंटेंट आने लगा ना, मुझे देख देख के एंग्जाइटी होने लगी। सो अब जाके मैंने अमेज़न से धीरे धीरे करके चीज़ें खरीदी एंड काइंड ऑफ मैंने थोड़ा सा पिंटरेस्टी लेवल कंटेंट बनाने की कोशिश करी है। इसको बंद कर देते हैं। एंड व्लॉग्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, व्लॉग्स आर नॉट परफेक्ट, बिकॉज इधर कुछ दिख रहा है, इधर कुछ दिख रहा है, बैकग्राउंड में अजीब सी आवाज़ आ रही है। एंड मैंने अब तक जितनी वीडियोज़ बनाई है आई वॉज ऑलवेज लाइक कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, लाइक बैकग्राउंड ऑडियो नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी फ्लॉलेस। तो जब मैं व्लॉग्स में आती हूँ ना, मुझे काफ़ी एंग्जाइटी हो जाती है कि यार बड़ा अजीब सा तो नहीं लग रहा। बट नेवर माइंड, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ मुझे नीचे बताना कि अगर आपको ऐसे व्लॉग्स देखने पसंद है जिससे मैं कुछ प्रोडक्टिव करती हूँ तो मैं उसको शेयर भी करूँगी अपनी ऑडियंस के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो टास्क नंबर वन था हमारा इस अलमीरा को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना। जैसे पहले ठूसे हुए थे कपड़े वैसे ठूसना नहीं, अच्छे से लगाना। बट द प्रॉब्लम इज इसके अंदर पेंट के साथ दीमक की दवाई भी मिक्स करवाई थी हमने, बिकॉज दीमक का अटैक हो चुका है घर में। सो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हमने यहाँ पे भी करवा ली थी। एंड स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी है, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ बहुत अजीब सी इरिटेटिंग सी स्मेल है। सो कपड़े अगर डाले तो शायद उनके अंदर भी वो स्मेल आ सकती है। एंड अभी भी मुझे थोड़ा चिपचिप लग रहा है एंड आई एम नॉट हैप्पी विद द कोट, सिंगल कोट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बट नेवर माइंड, एज माय मम्मी सेइंग अलमारी है किसको देखना अंदर, मेजर हमारा पेंट तो हो चुका है। सो इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, मैं अभी फटाफट अपना सेटअप कर लेती हूँ बिकॉज मुझे एक इंस्टाग्राम की वीडियो शूट करनी है। सो लेट्स गो। सो स्टेप नंबर वन इज झाड़ू, बिकॉज मैं कारपेट बिछाऊंगी। मैंने कारपेट ले लिया काफ़ी फैंसी से अमेज़न से एंड अच्छी जगह है, उसको साफ जगह हम रखेंगे। सो बैक टू द ओल्ड लॉकडाउन वाली हरकतें, हमने स्टिल अभी भी हाउस हेल्प नहीं लिया। सो मैं सारे झाड़ू पोछा खुद कर रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग्स ही बनाती थी, बिकॉज मेरे व्लॉग्स में आपको झाड़ू पोछा सफाई के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है। तो मैं बेड पे बैठी हूँ या तो झाड़ू पोछा कर रही होंगी। फैंसी बनाने के चक्कर में मेरे बाल खोले हुए हैं, लेकिन आई थिंक आई शुड टाइम माई हेयर एंड बैक टू रियलिटी। मुझे लगा मैंने पहले बाल बांधे हुए थे, देने में यार तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ढीली ढाली बन के बैठी हुई हूँ। बट नेवर माइंड, अगर प्रॉपर डे इन माई लाइफ दिखाना तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कारपेट, ये मैंने अमेजोन से लिया था जब प्राइम समथिंग सेल लगी थी, लेकिन मैंने अभी चेक किया तो अभी भी अवेलेबल है। एंड इसको मैंने इतने टाइम से कार्ट में डाला था बिकॉज आई वॉज लाइक यार लू ना लू। इट कॉस्टेड मी फॉर अराउंड 2700 समथिंग, मतलब आज तक मैंने जिंदगी में 2700 का कारपेट कभी लिया। सो देन आई वॉज लाइक नहीं, आई नीड टू इन्वेस्ट इन, एंड कारपेट अच्छी क्वालिटी का हो तो बेटर रहेगा। सो ये एंटी स्टैटिक समथिंग कुछ है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड काफ़ी सॉफ्ट है इसके, मतलब ये जो फर नहीं आएगा जिसमें कुछ थ्रेड जैसा कुछ किया हुआ है इसके ऊपर, बट वेरी वेरी सॉफ्ट, अच्छा लगता है बैठ के। सो अब मुझे लग रहा है काइंड ऑफ वर्थ हो गया इन्वेस्ट करना। एंड मैं बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हूँ पोनी बना के, सो यू विल सी मी इन खुले बाल, ऑल दो मेरे बाल अभी हल्के से ऑयली हो चुके हैं। दिस इज माई स्टूडियो फोटोग्राफी स्टैंड, आई थिंक इसको यही कहते हैं, बेसिकली शूटिंग पर्पज़ के लिए होता है। और ये नीचे तक पूरा ऐसे होता है, उस साइड में काफ़ी लंबा है, लाइक काफ़ी ब्रॉड भी होता है एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। सो ऐसे जो स्टैंड होते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर आपकी कोई स्टेबल पोजिशन नहीं होती शूट करने की, लाइक आप टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हो, तो आप इसको टेरेस पर ले जा सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो एंड देन यू कैन सेट अप योर ओन स्पेस, तो बेटर रहता है बिकॉज अभी मेरी एक लाइक स्टैटिक या फिर एक फिक्स पोजिशन नहीं है। ऑल्सो जो मेरे कर्टन्स होते हैं मैं बार बार बदलती रहती हूँ, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हाई ऑन द सीलिंग की मेन कर्टन को चेंज करने से अच्छा मैं इसी के ऊपर अपने कर्टन्स को चेंज करती रहती हूँ, तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। तो मैं फटाफट से इसको पहले सेट कर लेती हूँ। तो नाउ कमिंग टू द कर्टेन्स विच इज लाइक अ वेरी मेजर पार्ट। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा द
हिस्ट्री बिहाइंड माय बैड एक्सपीरियंस विद कर्टेन्स, मैं पहले दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे एक या दो वीक पहले जो मैं जितनी वीडियो शूट करती थी उसके अंदर मैं ये वाले कर्टेन्स यूज करती थी, येलो वाले। ये मैंने ऑर्डर किए हैं अमेजोन से ही, इट कॉस्टेड मी 1900 ईच। यस, रफल कर्टेन बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, आई नो, बट या फैशन में तो फिर इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई आई से कि इस फील्ड के अंदर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते करते ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। सो दिस इज हाउ द होल कर्टेन लुक्स लाइक। आई गेस ये 7 feet समथिंग लंबा ये कर्टेन है एंड रफल्स इसके काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। सो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था तो मैं इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है। एंड इससे पहले मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से रफल कर्टेन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था एंड वो आया नहीं, एक महीना हो गया, लाइक 1.5 महीने आई गेस, मुझे 1 या 1.5 महीने बाद वो रिसीव हुआ था। सो मैंने फिर यही ऑर्डर कर दिया बिकॉज मुझे काफ़ी सारी वीडियो शूट करनी थी एंड मुझे सच में रफल कर्टेन चाहिए थे। सो फाइनली जब वो ऑर्डर आया, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दीज आर द पिंक कर्टेन्स जो मैंने उस इंस्टाग्राम स्टोर से ऑर्डर किए। सो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ना मतलब मुचड़ी मुचड़ी हालत में आए थे। सो उस टाइम देख के बहुत ज़्यादा मुझे गंदे लगे, मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। सो मैंने फिर उसके बाद, अब रिटर्न एक्सचेंज तो हो नहीं सकते थे बिकॉज द ब्रांड द पेज इज़ नॉट रिप्लाइंग टू मी, तो मैंने इसको बैठ के अच्छे से स्टीम आयरन किया। मैंने एक एक इसको स्टीम आयरन कर करके थोड़ा सा सेट किया। सो आजकल मैं ये पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ बिकॉज अभी करंटली जो मेरा पूरा एस्थेटिक है ना उस पर पिंक ज़्यादा सूट कर रहा है, येलो शायद इतना सूट नहीं कर रहा। और मैं बहुत जल्दी बोर भी हो जाती हूँ, हैशटैग जेमिनी, हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। सो जब मेरा पिंक से थोड़ा सा मन उठ जाएगा तो मैं वापस येलो पे आ जाऊँगी और आई माइट बाय मोर काइंड ऑफ कर्टेन। जस्ट पुट दीज कर्टेन्स एंड उसके लिए मुझे ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो मैं कहाँ रखूँ ताकि ये घूम ना हो, आई होप यू कैन सी। और मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ। सो सिंस ये कर्टेन्स ही होते हैं तो इनके ऊपर पूरा स्टिचिंग भी होती है डालने की, सो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ द होल सिचुएशन लुक्स लाइक। ये काफ़ी रॉड इसकी लंबी है एंड आप कम भी कर सकते हो, लाइक आप एक रॉड हटा के इसको छोटा कर सकते हो, लेकिन कभी कभी मुझे पूरा चाहिए होता है फॉर शूटिंग एनी काइंड ऑफ हॉल्स एंड ऑल, एंड उसकी रेशियो के लिए मुझे पूरा चाहिए होता है तो मैंने हटाया नहीं हुआ, सो वहाँ पर फिक्स रहता है। एंड दिस इज़ हाउ द कर्टेन लुक्स लाइक। काफ़ी लंबा है तो मैं इस रॉड को थोड़ा सा और ऊपर कर सकती हूँ, अभी इतनी नीड नहीं है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे फेरी लाइट लगवाई है जो बेसिकली बॉटल कॉक लाइट्स होती हैं, ये बॉटल के ऊपर जो लगाने के लिए होती है ना लाइट से कुछ इस तरह से दिखती हैं, बिकॉज आजकल मैं अपने सेटअप में ये रॉड भी दिखती है मेरी, सो खाली रॉड दिखती हुई बड़ी अजीब लगती है। सो मैंने फेरी लाइट्स लगा दी एंड जो फेरी लाइट्स का जो फोकस आउट होता है ना वो काफ़ी प्यारा होता है, लाइक अभी जब ये फोकस मैं किसी प्रोडक्ट पे करूँगी तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो काफ़ी प्यारा लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई यूज़ दीज फेरी लाइट्स। मैंने ऊपर भी लगाई हुई है अगर मुझे कुछ फुल लेंथ लेना होता होगा खड़े होके। मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ USB वाली में बिकॉज इसके सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लिटरली नहीं चलते ये फटाफट, ये 2 दिन की मेरी शूट में डाई हो जाती है बिकॉज एक वीडियो शूट करने मुझे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, सो ये तब तक मर जाती है। सो मैं हार्डली 2 वीडियो शूट कर पाती हूँ। सो अभी मैं अमेजोन से इन्वेस्ट करने वाली हूँ USB वाली में। सो बिफोर आई मूव ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ माई मिनी वीडियो सेटअप, मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ मेरे विंटर एसेंशियल की। मतलब गर्मियों में तो चाहे मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ या फिर लगा लेती हूँ, बट इन विंटर्स आई हैव टू अप्लाई अ बॉडी लोशन। रीज़न नंबर 1, बॉडी वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है एंड सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है गर्म पानी। हम ठंड में गर्म पानी से नहाते हैं और हमारी स्किन एकदम खिची खिची हो जाती है एंड उसके ऊपर आप जैसे ऐसे स्क्रैच करोगे ना एक लाइन जैसा पड़ जाता है। सो आई हैव टू यूज़ अ बॉडी लोशन इन विंटर्स। सो करंटली आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन विच इज़ द मामा अर्थ कोको बॉडी लोशन। मामा अर्थ इज़ अ स्पॉन्सर्ड पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट मैंने इसको अच्छे खासे टाइम के लिए टेस्ट करके देखा है। मैं इसको डेली रात को भी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पर्सनली भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने आई गेस यहाँ तक तो इसको यूज़ कर ही लिया होगा एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। सो मैंने जो वेरिएंट लिया है वो है इंटेंस मॉइस्चराइजेशन के लिए। सो मामा अर्थ ने ऐसे बहुत सारे बॉडी लोशन लॉन्च किए हैं जिसके अलग अलग लाइक नीड्स होती हैं, व्हाट इज़ योर स्किन क्रेविंग। सो मेरे वाला जो वर्जन है वो इंटेंस मॉइस्चराइजेशन के लिए है। इसके अंदर है कॉफी, कोकोआ बटर, शिया बटर, इसके अंदर ऑलिव ऑयल, तो ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना ये काफ़ी अच्छा रिच मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टी आपकी बॉडी को देते हैं एंड इसकी फ्रेग्रेंस एकदम कॉफी बाइट जैसी है। द कलर लुक्स लाइक दिस, हल्का सा ब्राउनिश ऑफ वाइट काइंड ऑफ कलर है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इस बॉडी लोशन की है कि ये काफ़ी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, फटाफट से स्किन में चला गया। एंड पर्सनली मुझे ऐसे बॉडी लोशन नहीं पसंद जिसको ऐसे ब्लेंड करते रहो ना, वो ऐसे वाइट कलर का कुछ छोड़ते रहते हैं देन उसको बार 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 हम घिसते रहते हैं, सुबह सुबह टाइम नहीं होता। आई स्टिल रिमेम्बर जब कॉलेज होता था, स्कूल होता था, हम ऐसे बॉडी लोशन ले लेते हैं जो
बार बार बहुत ज्यादा ब्लेंड करने पड़ते हैं एंड टाइम लगाते हैं ब्लेंडिंग के अंदर। आई रियली लाइक द फैक्ट कि इसको फटाफट यूज करो एंड फटाफट ही स्किन में चला जाता है, बिल्कुल भी कोई भी तरह की मुझे चिपचिपे नॉल नहीं हो रही, काफी अच्छी मॉइस्चराइजेशन ने दी है और ये फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ लिंगर करती है सुबह तक। बट आई डू, मेरे पैर जो है नीचे से काफी ज्यादा क्रैक क्रैक हो जाते हैं अगेन बहुत ज्यादा गर्म पानी में नहाने की वजह से, वैसे ही फुट काफी ड्राई हो जाते हैं तो मैं पूरे फुट पे भी लगाती हूँ पर मैं पैरों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लगाती हूँ, फटाफट उसके ऊपर सॉक्स पहन लेती हूँ एंड सुबह माई फीट आर लाइक सुपर सुपर सॉफ्ट। से काफी अच्छा हैक होता है अगर आपकी भी जो पीछे का हील एरिया होता है बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा हो तो। दीज बॉडी लोशंस आर फ्री फ्रॉम मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, कोई भी सल्फेट, थायलेट्स, मतलब हार्मफुल वाले केमिकल इसके अंदर नहीं है। दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस वन इज पर्टिकुलरली फॉर ड्राई स्किन एंड इट सेज रिच मॉइस्चराइजेशन, नॉन ग्रीसी फॉर्मुला विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से शॉप करते हो आप नेचर की तरफ एक कुछ ना कुछ अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो विच इज गुड। सो अपार्ट फ्रॉम बींग प्लास्टिक पॉजिटिव एंड टीटा सर्टिफाइड दे आर डूइंग दिस इनिशिएटिव एज वेल विच इज अमेजिंग, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा ये। सो इनकी वेबसाइट के ऊपर मेरा कूपन कोड चल जाएगा विच इज कश 20, लेकिन आप इसको बाकी वेबसाइट से भी ले सकते हो, नायका, एमेजॉन, पर्पल पर भी अवेलेबल है एंड बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉर्नर, इस कॉर्नर के लिए मैंने बड़ा सोचा कि मैं कुछ डीआईवाई करती हूँ, कोई छोटी टेबल बना लेती हूँ या फिर बॉक्सेस रख रख के कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगे, बॉक्सेस भी रख के ना इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रहा था। फिर मैं अमेजोन पे गई, मैंने छोटे छोटे टेबल्स ढूंढी एंड आजकल वो जो हेयर पिन वाली टेबल्स है ना, मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करती हूँ, काफी ज्यादा वायरल है, आपको हर एक यूट्यूबर के बैकग्राउंड में वाली टेबल दिखेगी। बट द प्रॉब्लम वॉज उसका जो टेबल टॉप था वो बहुत ज्यादा छोटा था, लिटरली उसके ऊपर एक ही सामान आ सकता है एंड मैं फालतू में 1500 समथिंग की थी वो, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि खाली उसके ऊपर एक ही सामान आए, मुझे इतनी तो चाहिए थी कि मैं उसके ऊपर चार पांच चीजें इजिली रख पाऊँ। सो मुझे अमेजोन पे ये वुड वाली टेबल दिखी, ये भी मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स के बैकग्राउंड में देखी हुई है एंड ये बेस्ट सेलर थी अमेजोन पे, तो रिव्यूज के हिसाब से भी थोड़ी सी अश्योर थी कि अच्छी आएगी, लेकिन द क्वालिटी इज वेरी एवरेज, लाइक इसके ऊपर ऐसा वुड काइंड ऑफ काम दिया हुआ है, ये फोल्डेबल है, ये ऐसे खुल जाती है, इसमें बड़ी अजीब सी भूतों वाली आवाज आती है जब इसको खोलो एंड सी कहाँ से खोले, ओ ये इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे एंड आवर टेबल इज रेडी। फिनिशिंग इसकी एवरेज है, इतनी कोई वाव वाली फिनिशिंग नहीं है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। सो इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, लाइक मुझे जितनी हाइट चाहिए थी कि मैं अगर ऐसे बैठ के वीडियोस लेती हूँ तो इतना हाइट इज लाइक परफेक्ट जो मुझे चाहिए था। अब आता है इसके ऊपर क्या रखेंगे, सो मैंने सोचा कि मैं लाइव प्लांट रखूंगी, तो मैंने एक नर्सरी लाइफ करके एक लाइक वेबसाइट है जहाँ पे एक्चुअल रियल प्लांट्स मिलते हैं, सो मैंने वहाँ से मंगवाया जेड प्लांट, जो जेड गुड लक प्लांट होता है, वो बिल्कुल मरा हुआ आया बिल्कुल, उसके पास चार या पांच लीव्स थी एंड एक और मेरे पास रियल प्लांट है, फिर वो फटाफट डाई हो जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर रूम में सनलाइट का इतना सोर्स नहीं है। सो रियल प्लांट रखूँ तो उसको मेंटेन करूँ एंड फिर वो फटाफट डाई हो जाता है तो कोई सेंस नहीं बनता। सो फाइनली मैंने एक फेक प्लांट ले लिया अमेजोन से, सो ये भी मैंने अमेजोन से ही खरीदा है, जस्ट शो यू। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, अगेन ये भी बेस्ट सेलर था अमेजोन के ऊपर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी भरा भरा है, लाइक आप इसको जिस एंगल में रखोगे उस एंगल में काफ़ी प्यारा लगता है। ये भी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के बैकग्राउंड में देखा है, सो जब मैंने अमेजोन पे एक बार रिसर्च करी फॉर यूट्यूब सेटअप एंड ऑल एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखी जो ऑलरेडी बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे थे। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक एंड इसके ऊपर भी मैंने ये फेयर लाइट लगा दी है जो अब मर चुकी है एंड इसका सेल मैंने निकाल दिया है, मुझे इसके अंदर नया सेल डालना है। सो जब इसको स्टार्ट करो तो इसके ऊपर भी हल्की हल्की लाइटिंग का आपको इफेक्ट दिखता है, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। दिस इज हाउ माय करंट सेटअप लुक्स लाइक, आई एम लिटरली बिलो एवरेज इन इंटीरियर डिजाइनिंग और लाइक डेकोर काइंड ऑफ स्टफ, मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के एंड थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के भी, दिस इज नॉट पिंटरेस्ट काइंड ऑफ लेवल, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मैंने जोड़ जोड़ के थोड़ा थोड़ा करके कुछ बनाने की कोशिश करी है जो थोड़ा सा बेटर लगे। ऑब्वियसली आई विल जस्ट लेवल अप माई सेल्फ इन फ्यूचर एंड मेरा यही मन था कि मैं ऐसा कुछ रखूँ जो फिक्स ना हो, जिसको मैं फटाफट चेंज करती रहूँ, शिफ्ट करती रहूँ। आई एम इन नो मूड टू मेक अ सेपरेट रूम फॉर जस्ट स्टूडियो थिंग, बिकॉज कुछ नहीं पता कर को शिफ्ट करना पड़ जाए या कुछ भी हो, सो मैं फिक्स्ड कुछ नहीं करना चाहती थी। सो दिस इज हाउ माई टेम्प्रेरी काइंड ऑफ यूट्यूब स्पेस लुक्स लाइक एंड काफ़ी लोग पूछते हैं जो न्यू कॉन्टेंट क्रिएटर्स होते हैं कि कैसे करते हो, क्या क्या यूज़ होता है। सो जो भी मैंने यहाँ पे मैंशन किया है मैं नीचे लिंक कर दूंगी, मेरा इंस्टाग्राम मेरा जो अमेजोन स्टोर फ्रंट है उसके अंदर आपको एक सेक्शन दिख जाएगा वीडियो सेटअप फिल्मिंग एंड ऑल, उसके अंदर मैंने और भी चीज़ें डाली हैं लाइक द कैमरा आई यूज, द ट्राईपॉड जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये भी इन्वेस्टमेंट होती है, ट्राईपॉड, रिंग लाइट्स, कैमरा बहुत अच्छा लेना जरूरी होता है। सो इट्स लाइक अ शॉर्ट गाइड फॉर ऑल द कॉन्टेंट क्रिएटर्स जिनको आगे जाकर कुछ बनाना हो, आई होप थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी।
सो दिस इज माई शॉर्ट काइंड ऑफ व्लॉग. मैं इससे ज्यादा नहीं लंबा करूंगी बिकॉज आज संडे है. मैं अब खाना खाऊंगी, आराम से बैठ जाऊंगी, चिल करूंगी, टीवी देखूंगी, दैट्स इट. कुछ फैंसी नहीं हो रहा जिंदगी में. जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती कुछ भी फैंसी नहीं होगा. एंड ब्लॉग सारे ऐसे ही रहेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग. अगर पसंद आया हो तो प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट में बताना कि अगर आपको ऐसी रॉ काइंड ऑफ वीडियोज देखना पसंद है फिर नहीं पसंद, या फिर मैं ऐसे बैठे बैठे वीडियोज बनाऊँ. डू लेट मी नो इफ यू लाइक सच वीडियोज और नॉट. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.